लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। बीजेपी खुद राज्य की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं अपने सहयोगियों को अन्य 10 सीटों में मैनेज करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से सीट शेयरिंग की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितने सीट देने पर विचार कर रही है। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान, पशुपति पारस के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी 3 नहीं बल्कि 2 लोकसभा सीट देने पर विचार कर रही है। तो वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी 6 लोकसभा सीट पर लोजपा को लड़ाया जाएगा, जिसमें चिराग पासवान के साथ साथ उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को मैनेज किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट दी जाएगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने राज्य की 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का पूरा मन बना लिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 6 लोकसभा सीट पर लोजपा को लड़ाया जाएगा, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस वाले दोनों गुटों को सेट किया जाएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दी जाएगी और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दी जाएगी और बाकी बचा 1 सीट विकल्प के तौर पर अभी खाली रखी गई है। उस खाली सीट को और कोई नया सहयोगी गठबंधन से जुड़ता है तो उसे सेट किया जाएगा। अब यह सब सीटों की सेटिंग का फॉर्मूला देखने के बाद यह लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी में कुछ मत्थापच्ची हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि 3 सीट से कम पर लड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद 3 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब वह एनडीए में थे तब उनकी पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, इसके बाद चिराग पासवान और उनके चाचा को भी मनाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल काम लग रहा है। बाकी इंतजार कीजिए, बीजेपी की आधिकारिक घोषणा के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।